नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन क्या होता है इसकी चर्चा मैंने अलग से एक वीडियो में की है। यहाँ पर मैं सिर्फ उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की चर्चा करूँगा कि प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए मेडिटेशन का। मेडिटेशन के प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं। ध्यान के अभ्यास के लिए हम अपने मन को, अपने माइंड को अपने बॉडी के अंदर के किसी पार्ट पर भी केंद्रित कर सकते हैं, किसी बाहर के अंग पर केंद्रित कर सकते हैं, या फिर किसी बाहरी वस्तु पर हम ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ध्यान का जो अभ्यास बताने जा रहा हूँ वो अपने मन को किसी बाहरी वस्तु पर केंद्रित करने के लिए से संबंधित है, और इसकी चर्चा डॉक्टर फुलगंदा सिन्हा जी ने अपने बुक योगा फॉर मेंटल पावर में की है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया है उन्होंने कि ये अभ्यास कैसे किया जाना चाहिए और ये किस तरह से आप चेक करेंगे कि आपके अंदर ध्यान के अभ्यास में प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि जब भी कभी एग्जामिनेशन में हम लोग बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रश्न को पढ़ने के साथ ही वो किस पेज पर, किस पैराग्राफ में उसका आंसर लिखा हुआ है वो आपके आँख के सामने क्लियरली दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे बुक का वो पेज आपके आँख के सामने खुल गया है और एक बार फिर से आप उसी पेज को पढ़ रहे हैं। और जो अभ्यास हम बताने जा रहे हैं इसमें एग्जैक्टली ये चीज़ आप हर बार फील करेंगे, बराबर ऐसा महसूस करेंगे। और इसीलिए ये मैंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अभ्यास में कोई रिस्क भी नहीं है। ध्यान के अभ्यास में बहुत सारे ऐसे तरीके भी बताए जाते हैं जिसमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। कुछ तरीके तो डेंजरस भी होते हैं जिनका अभ्यास बिना किसी योग्य एक्सपर्ट के देख रेख के नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ ये फ़ायदा तो उतना ही पहुँचाएगा, उतना ही बेनिफिशियल है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए ये सबसे सुरक्षित है और इसी का अभ्यास आपके द्वारा किया जाना चाहिए। मेडिटेशन के प्रैक्टिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी ऐसे जगह पर प्रैक्टिस कीजिएगा जो नीट एंड क्लीन हो, जहाँ का इन्वायरमेंट आपको थोड़ा प्लीजेंट लगे, ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो, शांत हो, हवादार हो, और आप प्रतिदिन एवरीडे उसी जगह पर प्रैक्टिस कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, किस वक्त प्रैक्टिस करेंगे, तो मेडिटेशन का प्रैक्टिस आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। हालांकि सबसे बेस्ट समय बताया जाता है मॉर्निंग में, सुबह सुबह जब वातावरण बिल्कुल शांत होता है और पॉल्यूशन का लेवल भी बहुत कम होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर आप सुबह नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं किसी वजह से तो आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस ही नहीं करें। आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि प्रतिदिन आप उसी समय पर मेडिटेशन कीजिए और उस वक्त आपका पेट खाली होना चाहिए। पेट खाली होना चाहिए इसका मतलब भोजन करने के 2-3 घंटे के बाद या खाना खाने से पहले कभी भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि एक हफ्ते में, एक वीक में, 5 दिन भी रेगुलर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं है। और 5 दिन कम से कम कोशिश कीजिए कि एक वीक में आप प्रैक्टिस कर सकें। यदि आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस योगासनों के बाद करना चाहते हैं तो सभी आसनों का अभ्यास करने के बाद आप 10 मिनट का शवासन जरूर कर लें, 10-15 मिनट का, और उसके बाद आप तब मेडिटेशन का अभ्यास करें, और मेडिटेशन के अभ्यास को समाप्त करने के बाद फिर आप अपने रोज़मर्रा के कामों में लग सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया, मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए किसी बाहरी वस्तु का हम चुनाव करेंगे, और बाहरी वस्तु का चुनाव करते समय आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो आपके ऊपर सूदिंग इफेक्ट डाले, आपको अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे। आप किसी फूल का चुनाव कर सकते हैं, तस्वीर का चुनाव कर सकते हैं, फ़ोटो का चुनाव कर सकते हैं, या किसी मूर्ति पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप किसी फूल का चुनाव करें, और ये फूल नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल फूल होगा तो उसके लिए थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए, ब्राइट अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर ऐसा फूल प्रतिदिन आपको अवेलेबल नहीं हो सकता है, हो पा रहा है, क्योंकि इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पर डे इसमें पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तो आप प्लास्टिक के फूल पर भी अभ्यास कर सकते हैं। उस फूल को जिस पर अभ्यास करना है उसे आप किसी पॉट में या गमला में रख सकते हैं, और अगर आप नेचुरल फूल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो उसे आप एक ग्लास के अंदर पानी डालकर रख सकते हैं। अब फूल के इस गमले को या ग्लास को आपको ज़मीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर रखना है। किसी स्टूल के ऊपर रख सकते हैं या छोटे से टेबल के ऊपर रख सकते हैं, जो आपके आँख के ऊंचाई पर होना चाहिए। जो आप जब सीधा बैठें तो उसकी हाइट बिल्कुल आपके आँख के हाइट पर होनी चाहिए, और उस फूल के पीछे कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। मतलब प्लेन कोई दीवार हो या पर्दा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आप उस फूल से 4-5 फीट की दूरी पर बैठकर अभ्यास करेंगे। सांख्य योग के वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि मन हमारे सभी सेंस ऑर्गन का काम कर सकता है। यहाँ पर हमको मन को प्रयोग में लाना है अपने आँख के कार्य को करने के लिए। मतलब हम अपने आँख से भी देख सकते हैं और हम अपने इनर आई यानी मन की आँखों से भी किसी चीज़ को देख सकते हैं। और एक बार जब हम अपने मन के यानी इनर आई से हम किसी चीज़ को देखना सीख जाते हैं तो आपका ध्यान का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। आपका मेडिटेशन का प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है, ये इंडिकेशन मिलता है। अभ्यास करने के लिए क्या क्या बातें हैं और कैसे अभ्यास करेंगे, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। आपको ज़मीन पर एक के ऊपर एक पैर रखकर, अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो ठीक है, पद्मासन में आप ज़्यादा देर तक अगर नहीं बैठ पाते हैं तो आप सुखासन पर बैठ जाइए, और बैठने का तरीका वही होगा जो आपको तस्वीर में दिखाई पड़ रही है। एक के ऊपर एक पैर रखकर आप आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग का अभ्यास करना है 10 बार। लंबी और गहरी सांस लेनी और छोड़नी है। और डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं ये हमने अपने पिछले एक वीडियो में चर्चा की है, मुझे उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। सांस लेते समय पेट बाहर आना चाहिए और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। ये 10 बार डीप, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद या 45-50 सेकेंड तक रेस्ट करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ शरीर को ढीला छोड़कर बैठ जाना है। अब एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए सीधे बैठ जाइए। सीधा बैठने का मतलब हुआ आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका गला और सिर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और बाएं हथेली के अंदर दाहिने हथेली को रख देना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद सांस को बिल्कुल नॉर्मल चलने दीजिए और अपनी आँख को बंद कर लीजिए। 5-6 सेकंड तक अपनी आँख को बंद रखिए। उसके बाद धीरे धीरे आँख खोलिए और आँख खोलकर 5-6 सेकंड तक आँख को खुला रखिए। प्रयास कीजिए कि आपका पलक नहीं झपके। जैसे 5-6 सेकंड हो जाता है फिर धीरे धीरे अपनी आँख को बंद कर लीजिए 5-6 सेकंड के लिए, और फिर 5-6 सेकंड के लिए आँख खोलिए। ये प्रैक्टिस 3-4 बार कर लीजिए। मतलब ये एक रिहर्सल हुआ कि आप बिना पलक झपकाए 6-7 सेकंड तक लगातार देख सकते हैं। अब आँख बंद करके बैठ जाइए। अब क्या करना है आपको, अब आपको आँख खोलकर फूल के ऊपर देखना है जो आपसे 4-5 फीट की दूरी पर रखा हुआ है, और उस फूल को एक टक गौर से देखना है और अपने मन को उस फूल के साथ जोड़ लेना है। मतलब आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप जब तक आँख खोलकर उस फूल को देख रहे हैं तब तक आप उस फूल के बारे में ही सोचिए, उसके पंखुड़ियों के बारे में, उसके कलर के बारे में, डाली से कैसे कनेक्टेड है। मतलब पूरी तरह से अपना ध्यान उस फूल के ऊपर केंद्रित रखिए और एक टक उस फूल को देखते रहिए 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड या 10 सेकेंड तक दिक्कत होती है, और 10 सेकंड का अनुमान कैसे लगाएंगे, तो 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ये 5 सेकंड हुआ। यानी 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1001 बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है। तो इस तरह से अगर शांत, मतलब जिस स्पीड से मैंने बोला उसी स्पीड से अगर आप काउंट करेंगे अपने मन में तो 5 सेकंड हो जाएगा। 10 सेकंड आप आराम से काउंट कर सकते हैं। और 10 सेकंड तक अगर आपको आँख खोलकर देखने में दिक्कत हो तो आप 8 सेकंड तक या 7 सेकंड या 6 सेकंड, जितने देर तक आराम से आँख खोलकर रख सकते हो उतनी ही देर तक रखिए। आँख से पानी नहीं गिरना चाहिए, और आँख से पानी गिरने लगे तो आप आँख बंद कर लीजिए। धीरे धीरे अभ्यास से ये ड्यूरेशन बढ़ते चला जाएगा।
तो 10 सेकंड तक आँख से लगातार एक टक उस फूल को देखना है। जैसे 10 सेकंड हुआ, धीरे धीरे अपनी आँख को बंद कर लेना है और अपने मन में दोनों भावों के बीच यहाँ पर अपने मन में आपको उस फूल को देखने का कोशिश करना है जिसे अभी अभी आपने आँख खोलकर देखा था। उस फूल को अपने दिमाग में, अपने मन में देखने का प्रयास कीजिए, उसके इमेज को, उसकी आकृति को। हो सकता है कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आए इन द बिगनिंग, आपको कुछ नहीं दिखाई पड़े, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसको, जिनको एक दो सेकंड या तीन सेकंड के लिए एक इमेज दिखाई पड़े फूल की, फिर वो गायब हो जाए। अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका ध्यान पूरी तरह से लगना शुरू हुआ नहीं है। तो 10 सेकंड तक आँख खोल कर देखना है, फिर 10 सेकंड तक आँख बंद करके अपने मन में उसको देखने की कोशिश करना है, फिर 10 सेकंड धीरे धीरे आँख खोल दीजिए और फिर 10 सेकंड तक आँख खोल कर लगातार देखिए। और अभी अभी जो आप अपने दिमाग में देख रहे थे एग्जैक्टली वैसा है या नहीं है, इसको महसूस कीजिए और फिर आँख बंद करके देखिए। आँख खोल कर देखना और आँख बंद करके देखने का ये प्रोसेस 5 राउंड चलना चाहिए, प्रारंभ में, बिगनिंग में, एक वीक तक, 5 बार से ज़्यादा नहीं। तो आँख खोल कर देखना है, फिर आँख बंद करके देखना है, और इस बीच में आपका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से फूल के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। और कहीं आपका ध्यान भटक भी जाता है तो वापस उसको फूल पर लाइए। इसके लिए इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है और गुस्सा अपने ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, इरिटेट नहीं होना है। अगर कहीं ध्यान भटक भी जाता है तो वापस उसको फूल के ऊपर लाना है। शुरू के एक दिन में मैक्सिमम आपको 5 बार प्रैक्टिस करना है। एक वीक के बाद आप इसको प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और कुछ दिनों के बाद 10 बार और मैक्सिमम 15 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभ्यास का ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तब 15 बार से ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है। मैं फिर बता देता हूँ, 15 बार से ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है। कभी कभी आँख बंद करके बैठने पर आपको मन करेगा कि आप आँख खोले ही नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। जब तक आप चाहें तभी तक आप आँख बंद करके बैठें और आपका मन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होना चाहिए। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको उस फूल की आकृति दिखाई पड़ने लगेगी और जैसे फूल की आकृति दिखाई पड़े, हो सकता है कि वो आकृति आपको 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के लिए ही दिखाई दे, जैसे उस फूल की झलक या आकृति आँख बंद करने पर आपको दिखाई पड़ जाती है, इसका मतलब आपका ध्यान का अभ्यास का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए दिखाई देगा और धीरे धीरे वो ड्यूरेशन बढ़ना चाहिए। यानी जिस दिन आपको लगे कि आप 10 सेकंड तक आँख बंद करके देख ले रहे हैं उस फूल को, उस आकृति को, तो आप समझिए कि आपका ध्यान का बहुत अच्छा लेवल आ गया है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंज महसूस कीजिएगा और बहुत कुछ कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। आपका मन का भटकना बहुत कम हो जाएगा और कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के प्रैक्टिस के बाद, आप फूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं या ऑब्जेक्ट को, वस्तु को बदलकर फूल की जगह पर कोई तस्वीर रख सकते हैं या मूर्ति रख सकते हैं। लेकिन 1 महीने के अभ्यास के बाद और जैसे जैसे किसी भी वस्तु को अगर हम बदल कर प्रैक्टिस करते हैं और अगर हम उसको देख पाने में, आँख बंद करने के बाद देख पाने में सक्षम हो जाते हैं, तो समझिए कि आपका ध्यान बहुत हद तक लगने लगा है और आप आगे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अगली सीढ़ी पर, अगले पदान पर जाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। ध्यान का अभ्यास समाप्त करने के बाद आपको उसी स्थिति में आँख बंद करके बैठे रहना है 2 से 3 मिनट तक, और उसके बाद आप अपने रोज़मर्रा के काम में लग सकते हैं। आपका अभ्यास एक दिन का समाप्त हो गया और नेक्स्ट दिन यानी फिर 24 घंटे के बाद आप प्रैक्टिस आप करेंगे। कोशिश करना है कि उसी जगह पर, उसी टाइम पर पर डे अभ्यास करें। धन्यवाद।